दोस्तों श्याम क्लास में आपका स्वागत है। मैं महेश कुमार। दोस्तों अपन ने पिछली कक्षा में बात की थी राजस्थान की जिलों के बारे में, जिसमें अपन ने राजस्थान में खारे पानी की जिलों के बारे में अपन ने विस्तार से बात कर ली। आज बात करेंगे अपन दोस्तों मीठे पानी की जिलों के बारे में। तो दोस्तों लास्ट तक देखना है वीडियो को, और देखने के बाद में अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। दोस्तों अब बात करते हैं अपन राजस्थान की मीठे पानी की जिले। राजस्थान की मीठे पानी की जिले, मीठे पानी की जिलों में दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे अपन अजमेर की जिलों के बारे में। कहाँ की जिलों के बारे में बात करेंगे दोस्तों अपन? अजमेर की जिलों के बारे में। अजमेर, अजमेर में प्रमुख रूप से दोस्तों तीन जिले हैं। प्रमुख रूप से कितने जिले हैं? तीन जिले हैं, जिसमें सबसे प्रमुख झील है आपकी एक नंबर की, जिसको जिसका नाम है पुष्कर झील। क्या नाम दोस्तों? पुष्कर झील। सबसे पहले बात करते हैं पुष्कर झील की जो आकृति है। अगर झीलों की अगर आपको नोट्स बनाने ना, तो अगर नोट्स बना रहे हो तो दोस्तों झीलों के नोट्स केवल आपको ऐसे बनाने हैं, केवल नोट्स बनाने हैं, उसमें आकृति बनानी है और इस झील के आसपास में कौन कौन सी चीज़ें हैं उनको केवल आपको नाम लिखना है, ताकि आप जब भी एग्जाम के समय आप अगर पढ़ना चाहते हो तो इस नोट्स के माध्यम नोट्सों के माध्यम से आप जल्द से जल्द पढ़ सकते हो, ताकि आपको आपका टाइम ख़राब ना हो। तो सबसे बात करते हैं तो देखो पुष्कर झील हो गई, तो सबसे पहले पुष्कर झील की देखो एक तो आकृति आती है। किस पुष्कर झील की जो आकृति है? इस झील की आकृति है कैसे? अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार झील। अर्धचंद्राकार झील के नाम से कौन सी झील जानी जाती है? तो कौन सी झील आपकी? पुष्कर झील। फिर उसके बाद में दोस्तों अर्धचंद्राकार झील है। कई विद्वानों के अनुसार इस झील के बारे में कहा जाता है कि झील का निर्माण भगवान विष्णु के हाथ से पुष्प के जाने के कारण इस झील का नाम क्या पड़ गया? पुष्कर। कुछ लोग कहते हैं कि इस झील का निर्माण पुष्कर ब्राह्मणों ने किया, इस कारण इसका नाम क्या पड़ गया? पुष्कर। लेकिन वास्तव में झील क्या है? जोगरूप की दृष्टि से ये झील एक प्राकृतिक झील है। क्या ऐसी झील है? एक प्राकृतिक झील है। इसका निर्माण कैसे हुआ था? ज्वालामुखी से हुआ था। कैसे होता है इसका निर्माण? ज्वालामुखी। इसका निर्माण कैसे हुआ था? ज्वालामुखी से हुआ था। इस कारण इसे काला डेरा झील भी कहते हैं। यानी किसका उदाहरण है? ये काला डेरा झील का उदाहरण है। भारत की दूसरी काला डेरा झील है जो लोनार महाराष्ट्र में है। भारत की दूसरी काला डेरा झील कहाँ है? लोनार महाराष्ट्र। भारत की ये दूसरी काला डेरा झील है लोनार महाराष्ट्र में, और पहली कौन सी है? ज्वालामुखी से जो निर्मित है पुष्कर झील, जिसको काला डेरा झील के नाम से भी जाना जाता है। इसका आकार अर्धचंद्राकार है। कैसा है? अर्धचंद्राकार। अब उसके बाद में भारत में कुल चार तीर्थ है, ठीक है ना? इसे कहा जाता है भारत का पांचवा तीर्थ, यानी कि भारत का पांचवा तीर्थ, ये इसका उपनाम हो गया। दूसरा इसका नाम है तीर्थों का मामा। तीर्थों का जो बांध है वो मचकुंड धौलपुर में, ये तीर्थों का मामा है। कोकण तीर्थ तीर्थराज। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके उपनाम हुए। तो अर्धचंद्राकार झील हो गई, फिर उसके बाद में हिंदुओं का पांचवा तीर्थ, तीर्थों का मामा कोकण तीर्थ और तीर्थराज अर्धचंद्राकार झील हो गई। इस झील के ऊपर कुल 52 घाट है। कितने झील घाट है? 52 घाट, इसलिए इसे 52 घाटी झील के नाम से भी जाना जाता है। 52 घाटी झील के नाम से कौन सी झील को जाना जाता है? तो कौन सी झील को जाना जाता है? पुष्कर झील को जाना जाता है दोस्तों। अब उसके बाद में बात करते हैं, ये जो झील है ये झील NH 89 के ऊपर स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? NH 89 के ऊपर स्थित है। अब देखो उसके बाद में दोस्तों इस झील के ऊपर और क्या क्या प्रमुख मंदिर है? तो मंदिर इस झील के ऊपर सबसे पहला मंदिर है भारत का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर। भारत का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ है? तो पुष्कर में। कहाँ है दोस्तों? पुष्कर में, राजस्थान में। ये हो गया राजस्थान का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर, या भारत का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ है? पुष्कर। कहाँ पर है? अजमेर में। अब उसके बाद में ये तो राजस्थान का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर हो गया जो सबसे बड़ा है। राजस्थान में दो प्रमुख और मंदिर है किसके? ब्रह्मा जी के। एक तो है छींच बांसवाड़ा में, छींच
बांसवाड़ा में, और एक है कहां आसोत्रा, सॉरी एक है कहां बाड़मेर में, कहां है दोस्तों बाड़मेर में, ठीक है। तो छीत बांसवाड़ा में, और एक कहां है बाड़मेर में, आसोत्रा, ठीक है ना, बालोत्रा, आसोत्रा, आसोत्रा के पास में है। तो ये दो मंदिर कहां है, ब्रह्मा जी के मंदिर है। अब उसके बाद दोस्तों आगे देखो, ब्रह्मा जी की पत्नी है जिसका नाम है सावित्री, सावित्री, ठीक है। तो सावित्री माता का मंदिर, सावित्री माता का मंदिर वो भी कहाँ है, इसी झील के पास में है। इसे कहा जाता है राजस्थान का, यहाँ क्या बनाया गया, राजस्थान का तीसरा रोपवे, राजस्थान का तीसरा रोपवे। राजस्थान का जो पहला रोपवे वो सुंडा माता जालौर में है, राजस्थान का दूसरा रोपवे वो कहाँ है, उदयपुर में करणी माता रोपवे, और ये राजस्थान का तीसरा रोपवे कौन सा, सावित्री माता रोपवे। दो सावित्री माता का मंदिर कहाँ है, पुष्कर झील के पास में है, ठीक है। फिर उसके बाद में इसी झील के पास में एक मंदिर है जिसका नाम है वराह मंदिर, वराह, वराह मंदिर, वराह मंदिर कहाँ है, पुष्कर झील के पास में। इसका निर्माण किसने करवाया था, तो अन्नोराज चौहान ने करवाया था, किसने करवाया था दोस्तों, अन्नोराज चौहान, जिसको आनाजी के नाम से भी जाना जाता है। तो अन्नोराज चौहान ने वराह मंदिर का निर्माण करवाया था, सावित्री माता का मंदिर भी यही है और ब्रह्मा जी का मंदिर भी यहीं पर है। अब उसके बाद में ब्रह्मा जी का मंदिर यहाँ एक ही है, और जहाँ राजस्थान का सबसे रंगीन मेला लगता है, ठीक है ना, राजस्थान का सबसे रंगीन मेला कहाँ लगता है, तो पुष्कर झील में लगता था ना, राजस्थान का सबसे रंगीन, राजस्थान का सबसे रंगीन मेला कहाँ लगता है, तो पुष्कर झील में लगता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा विदेशी भी यहीं पर आते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी यात्री कहाँ पर आते हैं, यानी कौन मंदिर को, मेले को देखने के लिए सर्वाधिक विदेशी कहाँ पर आते हैं, तो पुष्कर झील में आते हैं। फिर उसके बाद में अब सबसे ज्यादा विदेशी यहाँ पर आते हैं, तो इस झील को राजस्थान की सबसे पवित्र और सबसे प्रदूषित झील भी कहा जाता है, राजस्थान की सबसे पवित्र झील तो है ही है। अब सबसे ज्यादा यहाँ पर विदेशी आते हैं, सबसे ज्यादा यात्री आते हैं, तो ये राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील भी हो गई, प्रदूषित झील, ठीक है दोस्तों। तो राजस्थान की सबसे पवित्र और सबसे प्रदूषित झील कौन सी है आपकी, तो ये पुष्कर झील ही है। फिर उसके बाद में इस झील को 1997 और 98 में कन्नाडा के सहयोग से साफ किया गया था, 1997 और 98 में कन्नाडा के सहयोग से इस झील को साफ किया गया था दोस्तों। अब उसके बाद में इस झील के ऊपर कुल कितने घाट है, अभी बताया था मैंने कितने घाट है, कुल 52 घाट है, इसलिए इसे 52 घाटी के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ एक घाट है जिसका नाम है जनाना घाट, जनाना घाट, जनाना घाट कहाँ है, पुष्कर झील के पास में जनाना घाट। इस घाट का निर्माण 1911 में इंग्लैंड महारानी मिस मेरी, यानी कि मैडम मेरी, मिस मेरी यानी कि मैडम, मैडम मेरी, मिस मेरी के आगमन पर इस जनाना घाट का निर्माण किया गया था। क्योंकि जब ये आई थी उन्होंने देखा कि जो ये झील है, इस झील में पुरुष और महिलाएं दोनों आपस में वैसे ही स्नान कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया था, महिलाओं के लिए एक अलग से घाट बनाया था जिसका नाम है जनाना घाट। फिर उसके बाद में इस जनाना घाट के ऊपर ही गांधी जी की अस्थियां प्रवाहित की गई, और बाद में इसका नाम क्या बनाया, गांधी घाट, ठीक है। जनाना घाट के ऊपर ही महात्मा गांधी जी की अस्थियां प्रवाहित करने के कारण बाद में इस जनाना घाट का दूसरा नाम क्या हो गया, तो गांधी घाट के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ये 52 घाटों में सबसे बड़ा घाट है। फिर उसके बाद में आगे इस जो ये जो झील है, इस झील में जो दीप होते हैं वो दीपदान किए जाते हैं, तो दीपदान के लिए भी ये झील क्या है, प्रसिद्ध है। करोड़ों दीपदान किए जाते हैं इस कारण से, दीपदान के लिए भी ये झील क्या है, प्रसिद्ध मानी जाती है। आगे उसके बाद में दोस्तों आगे बात करते हैं इस झील के बारे में, कुछ ऐतिहासिक बातें, जैसे कौरव और पांडवों का मिलन कौन सी झील के पास में हुआ था, तो कौरव व पांडवों का मिलन कौन सी झील के पास में हुआ था, तो कौन सी झील के पास में हुआ था, पुष्कर झील के पास में हुआ था। फिर उसके बाद में विश्वामित्र की तपस्या किसने भंग की थी, तो मेनका ने भंग की, ठीक है। तो विश्वामित्र की तपस्या मेनका ने भंग की थी, कौन सी झील के पास में की थी, तो पुष्कर झील के पास में की थी। फिर उसके बाद में भगवान राम है,
भगवान राम ने अपने पिता का पिंडदान पी कौन सी झील के पास में किया था? तो इसी झील के पास में किया था भगवान राम। भगवान राम ने अपने पिता दशरथ जी का पिंडदान भी इसी झील के पास में किया था। फिर उसके बाद में रामायण और महाभारत की जो रचना है वो भी इसी झील के किनारे पास मानी जाती है। रामायण की रचना किसने की थी? वाल्मीकि ने की थी। और महाभारत की रचना किसने की थी? वेद व्यास ने महाभारत की रचना इसी झील के पास में की थी। और विश्वामित्र की तपस्या किसने बन की थी? तो मेनका ने बन की थी। और रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी। कौन सी झील के पास में? इसी झील के पास में की थी। दोस्तों ये हो गया आपके बारे में, इस झील के बारे में प्रमुख प्रश्न। तो एक बार दोबारा देख रहे हैं दोस्तों, इस झील के बारे में, पुष्कर झील अजमेर में स्थित है। इसका आकार अर्धचंद्राकार है। ये राजस्थान का भारत का पांचवा तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर है। और तीर्थों के नाने मैंने कल बताया था कहाँ? सांबर झील के पास में, ठीक है, यानी कि देवयानी तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है? शाकंभरी माता को आ जाता है। तो ये तो हो गया क्या तीर्थों का मामा, तो तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर में। कोकण तीर्थराज बावन घाटी, यहाँ पर कुल बावन घाटी झील, ये NH 89 के ऊपर स्थित है। फिर उसके बाद में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर राजस्थान में कहाँ पर लगता है? तो ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? पुष्कर में है, जहाँ पर राजस्थान का सबसे रंगीन मेला लगता है। और ये राजस्थान का जो रंगीन मेला, ये कब लगता है? तो कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, जहाँ सर्वाधिक क्या बिकते हैं? ऊंट, यानी कि ऊँटों की बिक्री के लिए माना जाता है। तो ये मेला है ना ब्रह्मा जी का मेला, ये जो ब्रह्मा जी का मंदिर है, यहाँ पर एक मेला लगता है जो कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। और ये मेला ऊँटों की बिक्री के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो सर्वाधिक ऊँट बिक्री के लिए कौन सा मेला प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर झील के पास में लगता है। यहाँ सबसे ज़्यादा विदेशी आते हैं। ये राजस्थान की सबसे पवित्र और सबसे प्रदूषित झीलों में से एक है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा विदेशी आते हैं। तो ये सबसे राजस्थान की सबसे पवित्र तो थी, अब विदेशी सबसे ज़्यादा आते हैं। तो इसको राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील भी माना जाता है। 1997 और 98 में कर्नाटक के सहयोग से इसको साफ किया गया था। यहाँ कुल 52 घाट है, जिसमें एक घाट है जनाना घाट। 1911 में मिस मेरी के आगमन पर इस घाट का निर्माण किया गया था। और जनाना घाट में महात्मा गांधी जी की अस्थियाँ प्रवाहित की गई थी। और इससे जनाना घाट का दूसरा नाम क्या हो गया था? गांधी घाट। कौरव और पांडवों का मिलन भी यहीं पर हुआ था। फिर उसके बाद में विश्वामित्र की तपस्या मेनका ने भंग की थी। महाभारत की रचना किसने की थी? वेदव्यास ने, ठीक है ना। और रामायण की रचना किसने की थी? तो रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी। और भगवान राम ने अपने पिता का पिंडदान भी यहीं पर किया था। ये राजस्थान की एक प्राकृतिक झील है, जिसका निर्माण ज्वालामुखी से हुआ था, इसलिए ये कालाडेरा झील का उदाहरण है। भारत की दूसरी कालाडेरा झील जो लोनार महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। तो ये ध्यान रखना, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर हो गया, सावित्री माता का मंदिर भी यही है। जो राजस्थान का तीसरा रोपवे, पहला रोपवे कौन सा है? तो कौन सा? सुंदा माता रोपवे, जो कहाँ है? भीनमाल जालौर में स्थित है। राजस्थान का दूसरा जो रोपवे वो कहाँ पर स्थित है? तो उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? उदयपुर में स्थित है। कौन सा? कर्णी माता रोपवे। कौन सा? कर्णी माता रोपवे। और ये तीसरा हुआ सावित्री माता रोपवे। यहाँ पर एक मंदिर बनाया गया जिसका नाम है वराह मंदिर। ये वराह मंदिर किसने बनवाया था? तो अन्नो राज चौहान ने बनाया था। ये आपकी कौन सी झील हो गई? आपकी पुष्कर झील हो गई। अब बात करते हैं पुष्कर झील के बाद में आपकी दूसरी झील है अजमेर में, जिसका नाम है आना सागर झील। कौन सी दोस्तों? आना सागर झील। आना सागर झील दो पहाड़ियों के मध्य में स्थित है। आना सागर झील ये आपकी पुष्कर में दूसरी झील है, या अजमेर में दूसरी झील है आपकी कौन सी? आना सागर झील। ये आना सागर झील कहाँ है? अजमेर में। देखो अजमेर में एक पहाड़ी का तो नाम है कौन सी? नाग पहाड़ी। फिर उसके बाद में एक पहाड़ी इधर है जिसका नाम है तारागढ़ की पहाड़ी। अब तारागढ़ की पहाड़ी हो गई, ये बीच में आपकी झील आ गई कौन सी? आना सागर झील। इस आना सागर झील का ध्यान रखना है कि निर्माण तो किसने करवाया था? इस झील का निर्माण अन्नो राज चौहान ने करवाया था, ठीक है, जिसका नाम आनाजी भी है, आनाजी चौहान, ठीक है ना, अन्नो राज चौहान या आनाजी चौहान। इसका निर्माण कब करवाया था? तो 1137 ईस्वी में। अब दोस्तों इसकी जो कहानी है वो देखो, अन्नो राज चौहान के समय में यहाँ पर तुर्की आक्रमणकारियों का भय था। किसका था?
तुर्कियों का क्या था, वह था, यानी कि सबसे ज्यादा तुर्कियों ने यहाँ पर आक्रमण किया था। तो आक्रमण करने के कारण क्या है, जो ये अनुराग चौहान है, इन्होंने क्या किया था, जो नाग पहाड़ी और तारागढ़ की पहाड़ी है, इस दोनों पहाड़ियों के मध्य में उनको इकट्ठा यानी घेर लिया था, और घेरने के बाद में उनका क्या कर दिया था, संहार कर दिया था, उनको मृत्यु दे दिया, यानी कि संहार कर दिया था। अब संहार करने के बाद में क्या हो गया था, जो झील ये जो पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों के मध्य में क्या हो गई थी, ये जो भूमि है वो रक्त से क्या हो गई थी, लाल हो गई थी, तो बदबू माने लगी थी। बदबू माने के कारण क्या है, जो अनुराग चौहान है, ये अनुराग चौहान इधर से एक नदी आई थी जिसका नाम है चंद्रा नदी। तो चंद्रा नदी के पानी को रोककर स्थानीय लोगों के सहयोग से इस चंद्रा नदी के पानी को रोककर इन दोनों पहाड़ियों के मध्य की भूमि को साफ किया, ठीक है ना, धरती को साफ किया, और इस झील यहाँ इस चंद्रा नदी को पानी को रोककर इस झील का निर्माण करवा दिया। तो ये प्रश्न आया हुआ है कि रक्त से रंगी धरती को साफ करने के लिए कौन सी झील का निर्माण किया गया था, ये प्रश्न आया हुआ है दोस्तों। तो कौन सी झील है वो, आना सागर झील है। तो आना सागर झील का निर्माण चंद्रा नदी के पानी को रोककर करवाया गया था, तुर्की आक्रमणकारियों के भय को, यानी तुर्की आक्रमणकारियों को संहार करने के बाद में अनुराग चौहान ने 1137वीं झील का निर्माण करवाया था। ये जो झील है नाग पहाड़ी और तारागढ़ पहाड़ी के मध्य में स्थित है। अब उसके बाद में इस झील के पास में क्या क्या स्थित है वो देखो, तो इस झील के पास एक तो है दौलत बाग, जिसको शाही बाग के नाम से भी जाना जाता है। जहांगीर ने क्या बनवाया था दौलत बाग, जिसे शाही बाग के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में इस दौलत बाग को सुभाष उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, सुभाष उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। अब फिर इसके बाद में जागीर का पुत्र था जिसका नाम है शाहजहां ने यहाँ पांच बारह दरी का निर्माण करवाया था। फिर उसके बाद इस जागीर की एक पत्नी थी जिसका नाम है नूरजहां। जहांगीर की पत्नी क्या है, नूरजहां। इस नूरजहां की माता का नाम है असमत बेगम, ठीक है ना। तो नूरजहां की माता का नाम क्या, असमत बेगम ने भारत में पहली बार गुलाब से इत्र तैयार किया था। तो भारत में गुलाब से पहली बार इत्र तैयार किसने करवाया था या किसने किया था, तो किसने किया था, असमत बेगम ने, जो नूरजहां की क्या थी, माता थी, ठीक है। तो यहाँ भारत में पहली बार इसी झील के पास में, अनासागर झील के पास में, असमत बेगम ने इत्र तैयार किया था। ये हो गया आपकी कौन सी झील, आना सागर झील। ध्यान रखना है, आना सागर झील के पास में एक झील है जिसका नाम है फोई सागर झील, ठीक है। आना सागर के पास में कौन सी झील है, फोई सागर झील। इस फोई सागर झील का निर्माण एक अंग्रेज इंजीनियर के द्वारा किया गया था। ये झील अकाल राहत कार्य के तहत, किसके तहत, अकाल राहत के तहत, यानी कि अकाल पड़ गया था तो अकाल राहत के तहत इस झील का निर्माण करवाया गया था। कौन सी नदी के पानी को रोककर, तो बांडी नदी के जल को रोककर इस झील का निर्माण करवाया गया था। आना सागर झील का निर्माण करवाया गया था। जब आना सागर झील में पानी की मात्रा अधिक हो जाती है, तो आना सागर झील में पानी डाला जाता है। तो ये भी ध्यान रखना दोस्तों कि कौन सी झील है जिसका पानी आना सागर झील में डाला जाता है, तो फोई सागर झील का पानी डाला जाता है। तो फोई सागर झील में कौन सी नदी का पानी आता है, तो बांडी नदी का। ये एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है कि आना सागर झील में कौन सी नदी का पानी डाला जाता है। पिछले जो राजस्थान पुलिस एग्जाम लगती थी उसमें आया था कि आना सागर झील में कौन सी नदी का पानी डाला जाता है। तो आना सागर झील में देखो उस वहाँ पर उसमें क्या नहीं था, चंद्रा नदी। तो अब आपको ध्यान रखना है कि जो फोई सागर झील है उसका पानी कहाँ पर आ रहा है, आना सागर झील में। तो आना सागर झील में इस बांडी नदी का पानी भी आता है, तो बांडी नदी का पानी आना सागर में भी डाला जाता है। ये हो गया आपकी फोई सागर झील, ये आपकी हो गई आना सागर झील, और दूसरी अपने तीसरी बता दी आपने कौन सी, पुष्कर झील। ये आपकी तीन क्या हो गई, झीलें हो गई जो अजमेर में है। अब उसके बाद देखो जो पुष्कर झील है, इसी से संबंधित एक झील है जिसका नाम है बीकानेर में है कोलायत झील। कौन सी है दोस्तों,
कोलायत झील, कोलायत झील, ये कोलायत झील कहां पर स्थित है? बीकानेर में स्थित है। ये भी एक प्राकृतिक झील है। कैसी है? प्राकृतिक। ये भी कैसी एक प्राकृतिक झील है। जिस प्रकार से पुष्कर झील NH-89 पर, पुष्कर झील कहां पर स्थित है? NH-89 पर स्थित है। पुष्कर झील NH-89 पर स्थित है, उसी प्रकार ये कोलायत झील NH-15 पर स्थित है। कहां पर स्थित है? NH-15 पर स्थित है। यहां पर, यहां पर ये पुष्कर झील NH-15 पर हो गई ना, यहां पर भी एक मेला लगता है। किसका लगता है? तो यहाँ पर किसका मेला लगता है? जिस प्रकार से पुष्कर झील है वहां पर किसका लगता है? ब्रह्मा जी का लगता है ना। पुष्कर झील में किसका लगता है? ब्रह्मा जी का लगता है। तो यहाँ पर भी NH-15 कोलायत झील के पास में NH-15 पर कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। ठीक है ना, कार्तिक पूर्णिमा को क्या लगता है? मेला लगता है। ये उसके बाद में आगे, उसके बाद में ये जो झील है, इस झील के ऊपर भी कुल कितने घाट है? 52 घाट है, इसलिए इसे 52 घाटी के नाम से भी जाना जाता है। इसी झील में भी दीपदान किए जाते हैं, दीपदान। तो ये झील भी दीपदानों के लिए प्रसिद्ध। जिस प्रकार से जो पुष्कर झील है वो करोड़ों दीपदानों के लिए प्रसिद्ध है, उसी प्रकार जो ये जो कोलायत झील है ये भी दीपदान के लिए प्रसिद्ध है। फिर उसके बाद में इस झील में चारण जाति के लोग, चारण जाति के लोग स्नान नहीं करते हैं, यानी कि चारण जाति के लोग स्नान नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? जो कनी माता है, कनी माता की बहन का पुत्र था जो इस झील में डूब करके क्या हो गया था? खत्म हो गया था। तो उसके बाद में इस झील में चारण जाति के लोग उस दिन से क्या नहीं करते हैं? यहाँ स्नान नहीं करते हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ मेला लगता है। ये भी मरुस्थल का सबसे प्रसिद्ध मेला है। ठीक है, यहाँ भी कुल 52 घाट है, वहाँ भी कुल 52 घाट थे। ये NH-15 पर स्थित है, वो NH-89 पर स्थित थी। ये भी दीपदान के लिए प्रसिद्ध है, तो वो भी दीपदान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपकी कौन सी झील? कोलायत झील बीकानेर में। ठीक है दोस्तों, कोलायत झील बीकानेर में कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ मेला लगता है। यहाँ पर एक मंदिर है किसका, जिस प्रकार वहाँ ब्रह्मा जी का, तो यहाँ पर आश्रम है। ठीक है, एक आश्रम। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी झील हो गई? कोलायत झील, कोलायत झील बीकानेर। अब उसके बाद में एक झील और बीकानेर जिसका नाम है गजनेर झील। कौन सी है? गजनेर, गजनेर झील, गजनेर झील। ये कहाँ है? बीकानेर में। ये जो झील है बीकानेर में गजनेर झील, इसी झील के चारों ओर क्या है? पेड़ ही पेड़ है। ठीक है ना, अब पेड़ ही पेड़ है, तो इस झील को देखने पर शुद्ध जल की, शुद्ध जल दर्पण, शुद्ध जल दर्पण की उपमा की तरह लगती है, पानी शुद्ध दर्पण की तरह लगता है। तो शुद्ध जल दर्पण की उपमा दी गई है कौन सी झील को? गजनेर झील को। कहाँ पर है? बीकानेर में है। तो ये गजनेर झील के बारे में बात होगी, गजनेर झील के बारे में इतनी बात है कि गजनेर झील शुद्ध जल दर्पण की उपमा देती है। और कोलायत झील कहाँ है? बीकानेर में। ये भी एक प्राकृतिक झील हो गई दोस्तों। अब उसके बाद में आगे बात करेंगे अपन नेक्स्ट कक्षा में।